नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र। नवरात्रि के दिनों में हर दिन विशेष होते हैं। माता की नौ स्वरूपों में तीसरा स्वरूप होता है माता चंद्रघंटा का। माता चंद्रघंटा जो समृद्धि के साथ विद्या और बुद्धि की भी कारक है। आज हम माँ चंद्रघंटा की पूजा के कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको बताएंगे, जिससे रोगों और दोषों का नाश होकर विद्या और बुद्धि का विकास होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम भाग्य चक्र की। और आज हम अपने दर्शकों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार माता के किस स्वरूप की आपको लगातार नवमी तक पूजा करनी है, या फिर साल भर माँ के उस स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। साथ ही जिनका जन्मदिन है आज, उनका वार्षिक फल भी आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, आज आपसे जानना चाहेंगे माता चंद्रघंटा की विशेषताएं बताइए, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाए, कैसे विधि विधान है, पूरा विस्तृत तौर पर बताइए हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को मैं बारंबार एक ही बात कहूंगा कि माँ भगवती की असीम अनुकंपा जिन जिन जातकों पर होती है, वही माँ भगवती के सभी स्वरूपों का ध्यान कर पाते हैं और वही जातक माँ भगवती की कृपा से अपने जीवन में संपूर्ण धन समृद्धि मान सम्मान की प्राप्ति कर पाते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अपने आप में ही बिल्कुल अद्भुत है, बहुत है निराला है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इनके मस्तक पर जो स्वरूप है माँ का, चंद्रमा का स्वरूप है, जो तिलक होता है वो चंद्रमा के समान है, इसलिए इनको चंद्र घंटा कहते हैं। दूसरी एक बात आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि बुद्धि विद्या धन समृद्धि की कारक देवी है। सिंह इनका वाहन है, शेर जैसे खतरनाक जीव इनके वाहन के स्वरूप में स्थित है, और वो भी बड़ी ही सरलता से, बड़ा दिव्य स्वरूप है इनका। इनके स्वरूप का जो भी जातक ध्यान करते हैं सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाते हैं। रोग शोक दुख पीड़ा भय मृत्यु स्थायी रूप से उन सभी जातकों से दूर चली जाती है। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार का कोई भी शोक हो, कोई भी पीड़ा हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, या संतान नौकरी या जीवन में या भाग्योदय में या व्यापार में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आज हम लोग विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग संदर्भों में, क्योंकि अक्सर जातक प्रश्न करते हैं। नवरात्रि का ये जो समय है अपने आप में इतना पवित्र माना गया है कि कहते हैं शास्त्रों में पुराणों में कि ये दसों दिन दसों द्वार खुले होते हैं, कोई भी तिथि नक्षत्र मुहूर्त किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल सरल हृदय भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा जो है वो भक्ति का मार्ग उदित करती है, और भक्ति के मार्ग के सामने किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये जो समस्याएं हैं ये बड़ी क्षुद्र सी, बड़ी छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, आज हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कई जातक प्रश्न करते हैं जो कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, कई जातक प्रश्न करते हैं जिनके वैवाहिक सुख में बाधा आ रही होती है, कई जातक प्रश्न करते हैं जिनको नौकरी चाकरी में सदैव असुविधा रहती है, पदोन्नति नहीं मिलती। ये जो नवरात्रि का समय है, ये जो शुभ अवधि है, इस अवधि में क्या क्या छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, आज हम लोग विस्तार से आप सभी जातकों को इस विषय पर बताएंगे। माँ चंद्र घंटा की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो, माँ की कृपा तो वैसे भी सदैव हम लोगों पर बरस रही है, बिना माँ की कृपा के तो हम एक बार सांस भी नहीं ले सकते, लेकिन माँ का जो अलग अलग स्वरूप है उसकी अपने आप में एक विशेषता है। जैसा कि अभी प्राज्वल जी ने पूछा कि माँ के इस स्वरूप की क्या विशेषता है, यह स्वरूप बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही विचित्र, बड़ी ही निराली है इनकी कृपा। इनकी कृपा से आपके अंदर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता आती है, इनकी कृपा से व्यापार में धन में समृद्धि होती है,
आर्थिक स्थिति जिन जिन जातकों की खराब है, वो बहुत ध्यान से इस उपाय को करें। धन के लिए, व्यापार के लिए माँ चंद्र घंटा की बड़ी विशिष्ट कृपा को बड़े विशेष रूप में माना जाता है। और अपने यहाँ जो वैदिक, जो सनातन प्रक्रिया है ज्योतिष शास्त्र में, हर तिथि, हर नक्षत्र, हर अवधि के लिए कुछ बड़े सरल सरल से छोटे छोटे से उपाय, नवरात्रि भी अपने इन्हीं छोटे छोटे सरल उपायों के लिए जाना जाता है, जिनको कि हम अपनी बोल चाल की भाषा में टोटका कहते हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो प्राचीन समय में पुराने पंडित जी लोग, विद्वान लोग अक्सर बताते थे, जो लिखित साहित्यों में भी उपलब्ध है। आज हम लोग उन्हीं संदर्भों में, उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि जिन जातकों को प्रेम विवाह करना है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है उन्हें क्या उपाय करना है, जिनके जीवन में संतान का सुख बाधित हो रहा है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न कुंडली का पंचम भाव प्रेम प्रसंग में कारक होता है, और लग्न कुंडली का ही पंचम भाव संतान के सुख में कारक होता है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि लग्न कुंडली का ही पंचम भाव जातक के निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है, और लग्न कुंडली का ही पंचम भाव निर्णय के साथ साथ बुद्धि देने वाला होता है। इसका अर्थ यह हो गया कि लग्नेश और पंचमेश यदि ठीक ठीक ढंग से जातक को फल देने लग जाए, इसका अर्थ सीधे सीधे यह हो गया कि चूंकि चंद्रमा हृदय का कारक होता है और माँ चंद्र घंटा की विशेष कृपा यदि जातकों पर हो जाए तो माँ हर संकट से जातक को बचा लेती हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त कर देती हैं। गुरुजी, हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रेम विवाह वालों के लिए कुछ उपाय कि माँ चंद्र घंटा की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे ये सरल हो जाए। जी, ये सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। जी, कई ऐसे जातक हैं आज के इस भौतिक युग में, समय कम है, अवधि कम है, माँ की कृपा उनको चाहिए और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो सबसे पहले माँ को कमल घट्टा अर्पित करें। माँ को कमल घट्टा बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन एक विशेष बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिन जिन जातकों को प्रेम विवाह में करने में बाधा आ रही है, लड़का और लड़की दोनों ही इस उपाय को, और दोनों ही लोग इस उपाय को श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आज ही संध्या के समय में करेंगे। क्योंकि आज की तिथि बहुत विशेष तिथि है और शुभ समय होगा 5 बजे से 6 बजे के बीच में, या यदि हम अपनी साहित्यिक भाषा में कहें तो गोधूली की बेला। क्योंकि अभी का जो समय है, अभी की जो समय अवधि है, ये समय ज़्यादा ज़्यादा ठीक लगेगा, सरल लगेगा। सभी लोगों को इसका ज्ञान होता है कि 5 बजे से ठीक बजे तक यदि मैं कहूं गोधूली बेला तो भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, संध्या के समय इस उपाय को करिए, और इस उपाय को करने से प्रेम विवाह में जो भी विघ्न आ रही है, जो भी बाधा आ रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि दोनों लोगों को करना है, एक व्यक्ति के करने से ये उपाय अधूरा रह जाएगा। गुरु जी, ये भी बताएं कि वैवाहिक जीवन में जो कष्ट है उनका निवारण कैसे होता है, माँ चंद्र घंटा की पूजा कैसे करें। जी, आज के युग की ये भी बहुत बड़ी प्रबल समस्या है। यदि वैवाहिक जीवन में विघ्न बाधा आ रही है, कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो पति पत्नी दोनों ही लोगों को माँ चंद्र घंटा की आराधना करनी है, उनकी उपासना करनी है। संध्या के समय स्नान करके माँ का ध्यान करें, घी का दीपक जलाएं, माँ के सामने हाथ जोड़ करके माँ के स्वरूप का ध्यान करके प्रार्थना करें। निश्चित रूप से सपरिवार जो भी जातक माँ का ध्यान करते हैं, माँ चंद्र घंटा की विशेष कृपा उन जातकों पर होती है। और जो आपस में मन मुटाव है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, केवल पति के करने से या केवल पत्नी के करने से इस समस्या का समाधान कभी नहीं होने वाला। इसलिए मैं साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उपाय दोनों को मिलकर करना होगा। यदि दोनों ही जातक चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाए, उनका वैवाहिक जीवन जो कष्ट विघ्न बाधाओं से बीत रहा है वो सुखकारी हो जाए, मंगलकारी हो जाए, दोनों ही जातकों को जाकर के बहुत सरलता के साथ, कोई तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करनी है, बस अपना मस्तक माँ के चरणों में झुका देना है।
घी का दीपक जलाइए, हाथ जोड़ करके विनम्रता से उनसे प्रार्थना करिए। माँ का दिव्य स्वरूप आपके चित्त में, आपके ध्यान में स्थिर होना चाहिए। निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में जो भी विघ्न बाधा आ रही है, जो भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से आपको इसका निवारण। जैसे जैसे गुरुजी विकास के साथ कदमताल करते हैं तो कर्ज बहुत चढ़ जाता है, युवा स्थिति में ये देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत समस्या है, ये बड़ी समस्या है। गुरुजी जानना चाहेंगे कर्ज मुक्ति के लिए क्या कहेंगे जी? कर्ज अपने आप में आज के इस भौतिक युग की सबसे बड़ी समस्या है। कर्ज तनाव दे रहा है, चिंता दे रहा है, जीवन की लीला को भी प्रभावित कर रहा है। कई लोग कर्ज के दबाव में आत्महत्या तक कर लेते हैं। कर्ज की मुक्ति से बचने के लिए, कर्ज की समस्या से बचने के लिए सुगंधित इत्र माँ को अर्पित करना है। सबसे बड़ी बात आप सभी जातकों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतना सरल सा उपाय है कि कोई भी कर सकता है। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं बारंबार आपको कह रहा हूँ, संध्या के समय इस प्रयोग को करना है। माँ के स्वरूप का ध्यान करके बड़ी ही साफ सफाई से सबसे पहले स्नान करना है, ध्यान करना है, हाथ जोड़ करके श्रद्धा से अपने मस्तक को माँ की चरणों में लगा करके प्रणाम करके उसके बाद बड़ा छोटा सा उपाय बड़ी ही सरलता से इत्र अर्पित करना है। कर्ज से संबंधित जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, कोई ऐसा कर्ज है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ता चला जा रहा है, तनाव बढ़ता चला जा रहा है, कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है कि कैसे मैं इससे मुक्ति पाऊं, इतना सरल सा उपाय माँ की चरणों में आप इत्र अर्पित करिए। निश्चित रूप से कर्ज की समस्या से स्थायी रूप से आपको छुटकारा मिल जाएगा। गुरु जी इससे पहले आपने बताया था वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कष्ट हो, तो अब बताइए वैवाहिक जीवन के बाद संतान की बात होती है, संतान संबंधी समस्या बहुत महत्वपूर्ण जी है। कई ऐसे जातक हैं जो अक्सर इस प्रश्न को पूछते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि मां चंद्र घंटा को दूध या दूध से बनी सामग्रियों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। मां को बहुत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। संतान से संबंधित समस्या के निवारण के लिए मां को दूध या फिर दूध से बनी कोई भी वस्तु आप अर्पित करिए। निश्चित रूप से संतान से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में, या तो संतान होने में कोई विघ्न बाधा है या संतान से कष्ट है, दोनों ही परिस्थितियों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव पीड़ित होता है और मां की कृपा से, मां की जब कृपा हो जाएगी तो संतान भाव क्या सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस उपाय को करिए, निश्चित रूप से संतान संबंधी सारी समस्याओं का नाश हो जाएगा, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। गुरु जी एक प्रश्न आपसे अमूमन जरूर पूछा जाता होगा कि विवाह में बाधा आ रही है उसको उसका निवारण आज हमारे दर्शकों को बताइए उसका निवारण। ये सामान्य रूप से कई जातक पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं विवाह इतनी विघ्न बाधाएं आ रही है, कैसे क्या उपाय किया, कैसे विवाह में जब बाधा आ रही है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे उस समस्या से निकला जाए। जिन जिन जातकों को विवाह में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, हरे रंग का वस्त्र माँ को अर्पित करें, हरे रंग का वस्त्र माँ को चढ़ाएं, इससे विवाह से संबंधित सारी समस्याओं स्थायी रूप से निवारण हो जाएगा। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये उपाय किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं आना है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही लोगों के जीवन में जब भी विवाह से संबंधित कोई भी समस्या आ रही, बारंबार बातचीत चलती है, रुकावट आ जाती है, कई बार तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ तय हो गया, तय होने के बाद भी कई बार जब शादियां टूट जाती हैं तो बहुत गहरा। नवरात्रि का ये जो समय होता है हर दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ माना गया है। ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको आपकी समस्याओं का सारा समाधान हो जाएगा।
गुरुजी, जैसे जैसे भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, उसमें ये देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो विकार हैं वो भी जन्म ले रहे हैं, उनका उपचार बताइए। आपने बहुत सही बात कही कि इस भाग दौड़ भरे जीवन में स्वास्थ्य का देखभाल कर पाना, स्वास्थ्य का ध्यान रख पाना बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई जातक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और कोई निवारण नहीं सूझ रहा है, माँ को पीले रंग का वस्त्र अर्पित कर दे। देखिए, स्वास्थ्य से जो समस्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, बीमारी का ही पता नहीं चल पाता, या आप इलाज कराते हैं और दवा ठीक ढंग से, कारगर ढंग से लाभ नहीं दे पा रही होती है। माँ भगवती की कृपा ऐसी होगी कि फटाफट आपको लगेगा कि अब दवाइयाँ काम कर रही हैं, इलाज से लाभ हो रहा है, बस कुछ नहीं करना है आपको, बड़ा सरल सा छोटा सा उपाय है, पीले रंग का वस्त्र ले आइए, माँ को श्रद्धा के साथ अर्पित करिए, हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ, भक्ति के साथ माँ से प्रार्थना करिए कि माँ भगवती की ऐसी कृपा हो कि किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, उससे मुक्ति मिल जाए। बहुत अंतरात्मा से, भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना किसी जटिलता के साथ ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। घर में लगातार क्लेश बने रहना, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना, घर में नकारात्मकता लाता है, उसको भगाने के लिए क्या करें, उसको दूर करने बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। आज के युग में, इस भौतिक युग में कई प्रकार से कष्टों का जन्म हो रहा है। घर में कोई प्रबल वास्तु दोष हो या सदैव नकारात्मकता बनी हुई है, या आपस में कलह रह रहा है, सभी परिवार के सदस्यों में पटरी नहीं खा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो, अखंड ज्योति शुद्ध घी का दीपक आप जलाइए, हर प्रकार की नकारात्मकता से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाएंगे। और कोई भी नकारात्मकता हो, चाहे वो वास्तु के प्रभाव के कारण हो या कुछ भी हो, स्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। गुरुजी, नौकरी में प्रमोशन की बात करें, सफलता की बात करें, उसके बारे में बताएं मैं दर्शकों। जी, कार्य क्षेत्र में यदि सफलता नहीं मिल रही है तो बड़ा सरल सा छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ, खीर का, मीठे खीर का भोग लगाइए माँ को, निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और जीवन में आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। और कारोबार में वृद्धि के लिए क्या करना होगा हमारे जातकों को या हमारे दर्शकों को? काम धंधे में, व्यापार में आपको लाभ हो, इसके लिए गुलाबी रंग का पुष्प या फिर गुलाब का फूल आप माँ को अर्पित करिए, धन के वृद्धि होगी, कारोबार में बरकत मिलेगी, लाभ ही लाभ होगा। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसके प्रति क्या किया जाए गुरुजी? ये भी बहुत गंभीर प्रश्न है प्राज्वल जी। आजकल कई माता पिता इस बात से परेशान होते हैं। स्फटिक की माला माँ को अर्पित कराइए, बच्चों के हाथ से स्पर्श करा करके, निश्चित रूप से शिक्षा में उनका मन लगेगा, बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ाई करेंगे और सफल। और साथ ही शत्रुओं का दमन या विरोधियों का जो दमन है या उन्हें पराजित करने के लिए क्या करें गुरुजी? हाँ, ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी समस्या है कि कई बार आप बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और कलह, शत्रुता, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंसे रह जाते हैं। माँ चंद्रघंटा को शहद का भोग लगाइए, शहद अर्पित करिए और माँ को कपूर की आरती बहुत ही प्रिय है, ये दोनों उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जो बेफिजूल में कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगा रहे हैं उससे स्थायी रूप से आपको छुटकारा। तो सफलता और आत्मविश्वास के लिए क्या किया जाए गुरुजी? जीवन में यदि सफलता नहीं मिल पा रही है, आत्मविश्वास की कमी है, तो पीला वस्त्र धारण करिए और माँ की आराधना करिए, पीत वस्त्र से आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, माँ की विशिष्ट कृपा आपको मिलेगी। और माता चंद्रघंटा की पूजा का विशिष्ट समय हमारे दर्शकों के बारे बता दीजिए, जिससे वो कम से कम पूजा अर्चना वक्त पर करें, जिससे उन्हें लाभ। सर्वश्रेष्ठ समय होगा संध्या का समय, गोधूली बेला, सायंकाल में इस उपाय को करिए, इससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अंग्रेजी जो पाश्चात्य सिस्टम है, इसके अनुसार शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में सर्वश्रेष्ठ समय। गुरुजी, आज जिनका जन्मदिन है उनको संक्षेप में बताएं कैसा रहेगा उनका साल? बिल्कुल, आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है, सर्वप्रथम उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। यह वर्ष आपके लिए
बहुत ही शुभ रहने वाला है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आप लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कठोर परिश्रम करने वाले जातक होते हैं, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, इसके लिए आपको धैर्य रखना है, आपको किसी बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता होते हैं। और गुरु जी आज लकी कुंडली बताइए, रजत सिंह है जी, उनकी कुंडली क्या कहती है? रजत जी आपकी कर्क लग्न है और आप मांगलिक हैं, आपको भगवान शिव जी की आराधना करनी है, आपकी सिंह राशि है, आप एक मोती नाम का रत्न धारण करिए और ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता। तो दूसरे रवि सिंह हैं इलाहाबाद से। रवि जी आपकी तुला लग्न है और लग्नेश शुक्र लग्न स्थान पर विराजमान है, आप कर्क राशि के जातक हैं, एक उपल नाम का रत्न धारण करिए, निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे कई दर्शकों के मन में कई प्रश्न होंगे, वो गुरुजी से दो माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी की मेल आईडी है bhagyachakra1530@gmail.com और साथ ही गुरुजी का मोबाइल नंबर आपको बता देते हैं 9565001891, इस पर फोन कर सकते हैं, मिलने का समय भी गुरुजी से ले सकते हैं। आप हमारे खास कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।